फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने हेयर्स को नीट करना है, देन आयरन की बैक साइड ऊपर एंड ट्विस्ट करके फ्रंट साइड ऊपर एंड देन अगेन ट्विस्ट बैक साइड ऊपर, स्लोली मूव डाउन एंड देन ट्विस्ट करके फ्रंट साइड फिर से ऊपर, और आहिस्ता से अपना स्ट्रेटनर खोलना है एंड देन कर्ल कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप की थिकनेस कम थी इसलिए हमने एक ही कर्ल किया, सेकेंड सेक्शन की विड्थ ज़्यादा है इसलिए हमने उसको टू सेक्शंस में डिवाइड कर लिया।
जब हमने लेफ्ट साइड के बाल कर्ल करने हैं तो हमने उसे राइट साइड की तरफ नहीं रखना, हमने आयरन को और बालों को राइट की तरफ रखना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसको भी आराम से नीचे लेकर आना है और तिरछा लाना है। आपका कर्ल आ गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर वॉल्यूम देना तो आप बैक कॉम्बिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते थे बैक कॉम्बिंग करना तो आप आयरन के साथ इसको वॉल्यूम दे सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ। हमने फ्रंट के बालों को कर्ल करना है, जिस साइड का फ्लिक है हमने उस साइड पे बाल करने हैं, फ्रंट नीट करना है, फिर हमने तिरछा आयरन रख के कर्ल कर लेना है।